हेलो एवरीवन, हाउ यू ऑल। आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल एंड वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, भावना एंड पीहू लव स्टोरी का प्रीवियस पार्ट में आप लोगों ने देखा था कि पीहू जो होती है वो शीशे में खुद को देख के और बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रही होती है और सोच रही होती है कि मेरे साथ हो क्या रहा है, इस लड़की के चर्च से मुझे इतना अपनापन सब फील क्यों हो रहा है, ना इसका मेरा कोई कनेक्शन है ना कुछ, तो इतने ज़्यादा क्यों मुझे फील हो रहा है, जो सोच के बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। बिकॉज उसके ख्याल में बार बार उसके दिमाग में भावना के ख्याल आ रहे होते हैं और वो कहती है कि मेरे दिल में सिर्फ और सिर्फ भावना है, तो इस लड़की की टच से मुझे इतना अजीब फील क्यों हो रहा है, कि गलत है, मैं इस लड़की से बहुत दूर होंगी, इसे अपने इर्द गिर्द आने भी नहीं दूंगी। तो ऐसे सोचते हुए जल्दी से फ्रेश होकर बाहर की तरफ आने लगती है। जैसे ही वॉशरूम का दरवाज़ा खोल के बाहर की तरफ कदम रखती है कि देखती है कि मानो वहीं खड़ी होती है। तो पीहू दिन में कहते हैं कि मैं इस लड़की से दूर रहने की बात कर रही थी और इसको देखो मेरे आगे पीछे मंडरा रही है, अब क्या करूं। तो ऐसे सोच के बेड की तरफ जा रही होती है तो मानो जो होती है ऐसे उसे पकड़ लेती है, कहती है तुम ठीक हो? तो वो कहती है हाँ हाँ मैं ठीक हूँ, तुम जाओ रेडी हो जाओ, तुम्हारा एग्ज़ाम है ना आज, जाओ। तो वो कहती एक सेकेंड, तुम्हें कैसे पता मेरे एग्ज़ाम है? तो भावना ऐसे मतलब एकदम शॉक्ड हो जाती है ये कहने के बाद। तो पीहू कहती है कि तुम्हारे पापा ने बताया कि आज तुम्हारा एग्ज़ाम है, जब मतलब उन्होंने कल बताया था मुझे कि तुमने पढ़ाया नहीं, कि तुम्हारा एग्ज़ाम है ये वो, तो इसलिए मुझे पता, अब जाओ पढ़ाई करो अपनी। तो वो भावना कहती है ओके बेड पे मैं बिठा दूँ फिर मैं चल जाऊँगी। तो भावना ऐसे पीहू को जो होती है बेड पर बिठा देती है और फिर वहाँ से चली जाती है, क्योंकि उसे पता होता है कुछ ज़्यादा करेगी तो उसे शक न हो जाए। तो इसलिए भावना जो होती है फ़ौरन से अपने रूम में जाती है और बार बार से अपने हाथ की तरफ देख रही होती है जिस हाथ से उसको टच करी है, और बार बार अपने हाथ पे किस कर रही होती है और कहती है यस 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 भगवान जी तुसी ग्रेट, मतलब इतनी क्विक सर्विस, मुझे थोड़ा सा वेट लगा था इतनी क्विक सर्विस है, लेकिन अब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। आई मीन यार जीनियस यार, मतलब कसम से आप बहुत अच्छे हो, बहुत ज़्यादा अच्छे हो, मतलब आप मेरी हर विश पूरी कर देते हो, हाओ, मतलब जो भी है खैर है, अच्छा है मेरे लिए तो अच्छा है, आप मेरी हर विश पूरी करते हो, बस इस तरह मेरी हर विश पूरी करते रहना। मेरी एक और विश है कि प्लीज़ इसे अभी पता नहीं चलना चाहिए कि मेरी भावना पता चल जाएगा तो मुझे नहीं पता कि ये कैसा बिहेव करेगी, इसकी छोड़ो अगर डैम अगर आरसी को पता चल गया कि ये पीहू, नो, मुझे पहले आरसी को मेरे घर से दूर रखना होगा और पीहू को भी खुद से दूर रखना होगा, उन्हें शक हो जाएगा कि मैं भावना हूँ। नहीं 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 भावना, भावना में तो मत बहना, मुझे पता है तू उसे देखते आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते, लेकिन अभी खुद पे कंट्रोल करना होगा, कंट्रोल इसलिए करना होगा कि वो तुझे पहचान ना ले। कूल भावना, रिलैक्स 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 रिलैक्स, टाइम देखो बहुत देर हो रही है, जल्दी से रेडी होना होगा। तो ऐसे बोल के जल्दी से बेड उठा के नीचे की तरफ जाती है, तो उसके पापा कहते हैं ये क्या मुंह पे लगा रखे, जाओ इसे रिमूव करके आओ। तो भावना कहती है ओह शिट, इसके बारे में तो मैं भूल गई थी। तो भावना फ़ौरन से वापस जाती है अपने वॉशरूम में, जल्दी से उसको रिमूव करती है, तो मतलब फेस वॉश करके थोड़ी लिपस्टिक और क्रीम वगैरह लगा के नीचे आती है। तो उसके पापा कहते हैं कि बेटा ये लो ये जूस दे के आओ। ऊपर पीहू के रूम में कहती मैं दे के आऊँ? उसके पापा कहते हैं हाँ बेटा तुम ही बोला है तो तुम दे के आओगे ना, इस घर में हम दोनों के अलावा एक ही लड़की अभी हो और वो तो यहाँ है नहीं, तो हम तो नहीं है, तुम ही बोलूँगी ना, जाओ। तो वो कहते शिट 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 शिट, पहले तो उस मास्क ने बचा लिया था, अब क्या करूँ, मैं हर टाइम पूरे घर में वो मास्क लगा के थोड़ी पहन सकती हूँ, क्या करूँ क्या करूँ, भावना कुछ सोच सोचो। हाँ एक सेकंड, वो मास्क नहीं तो दूसरा फेस मास्क तो काम आ सकता है, आई मीन करो ना, चल रहा है हर कोई यूज़ करता है तो। वाओ यार भावना तो सच में जीनियस है यार। तो ऐसे सोच के फ़ौरन से अपने रूम में जाती है, वहाँ से एक मास्क उठाती है जल्दी से फेस पे, मतलब ऐसे उसको लगा लेती है और जूस का गिलास लेके चली जाती है पीहू के रूम में। तो नोक नोक के वगैरह से घुस जाती है, तो देखती है कि पीहू जो होती है वो ऐसे अपने अपर पहने की ट्राई कर रही होती है, बट उससे हो नहीं रहा होता, तो बिकॉज उसके बाजू से ऐसे काम नहीं कर रहा होता। वो फ़ौरन से आती है, ऐसे जिसका गिलास साइड पर रखती है और ऐसे ही उसकी हेल्प करती है अपर पहनाने में। तो जब उसको अपर पहना रही होती है तो उसके बहुत ज़्यादा क्लोज होती है, तो जब क्लोज होती है तो उसकी सांसों को महसूस कर पा रही होती है, और महसूस करते करते उसके और ज़्यादा क्लोज आ रही होती है, बिकॉज हमेशा उसने उसकी सांसें सुनी तो होती है और महसूस की होती हैं, पर आज इतने टाइम बाद उसकी सांसें इतने करीब से महसूस करना उसके तो बहुत सुकून मिल रहा होता है, और इस सब चक्कर में उसको सब भूल गई होती है कि इसको पता नहीं है कि उसकी भावना है, तो इसलिए उसके बहुत ज़्यादा क्लोज आ रही होती है। तो भावना जो होती है वो फील कर लेती है कि इतने क्लोज क्यों आ रही है, तो भावना ऐसी अपनी अपर जो है ऊपर करती है, उसको पीछे की तरफ कर देती है, सॉरी भावना को भी वैसे पीछे की तरफ कर देती है। तो भावना से फ़ौरन होश में आती है, भावना ये क्या करने जा रही थी, पागल है क्या, शुक्र है इसने तो थप्पड़ नहीं मार दिया। तो ऐसे ही पीहू उसको गुस्से से देखते हुए कहते हैं कि तुम यहाँ मेरे रूम में क्या कर रही हो, मानो ये तुम्हारा घर है लेकिन ये रूम मेरा है।
तो भावना ये थी सॉरी, मैं तो बस ये जूस का गिलास देने आई थी, पापा ने भिजवाया था आपके लिए। तो प्यू बहुत गुस्से में होती है बिकॉज उसे उसका इतना करीब आना, मतलब अच्छा तो लग रहा होता है लेकिन उसे बुरा इसलिए लग रहा होता है बिकॉज उसे अभी ये नहीं कन्फर्म था कि उसकी ही भावना है, तो इस वजह से उसे उसके पास आने से थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। तो प्यू कहती मुझे नहीं चाहिए, तो मुझे वापस लेके जाओ। तो भावना कहती नहीं, पापा का ऑर्डर है तो मैं पिला के आऊँ, चलो प्यू। तो प्यू कहती यार क्या अजीब ज़बरदस्ती है, बोला ना नहीं पीना तो नहीं पीना। तो भावना कहती है अब तो आपको पीना पड़ेगा, मेरे पापा ना कहते ना मैं आपको बिल्कुल नहीं पिलाती, अगर पापा ने बोला कि आपको पिलाना है मतलब पिलाना है, और मैं अपने पापा का कोई कहना नहीं छोड़ती समझी, इसलिए आपको तो पीना पड़ेगा और अभी कभी पीना पड़ेगा, मेरे हाथ से पीना पड़ेगा समझी, चुप। अब एक लब बोला ना अच्छा नहीं होगा, जैसे जल्दी जल्दी बोल के गिलास पकड़ के ऐसे ज़बरदस्ती उसके मुँह में पिला रही होती है। तो जब उसको पिला रही होती है तो पीहू ऐसे भावना की तरफ देख रही होती है, तो भावना उसकी तरफ देख रही होती है, तो दोनों का आई कॉन्टैक्ट हो जाता है। पीहू बहुत गुस्से में होती है, बट जैसे उसकी आंखों में देखती है ना उसका सारा गुस्सा ठंडा हो जाता है, वो बस उसको देखती रहती है और भावना उसको महसूस कर रही होती है, उसकी तेज तेज सांसें, उसके इतने करीब आना, उसके पपालों की खुशबू, सब कुछ उसे दीवाना कर रही होती है। और ऐसे ही एक दूसरे की आंखों में देखते देखते जूस का गिलास पूरा ख़त्म हो जाता है, तो भावना ऐसे जूस का गिलास लेके साइड पे ट्रे पे रखती है और पीहू को कहती है ओके मैं चलती हूँ, आप अपना ख्याल रखना ओके, एंड सॉरी मैंने आपके साथ ज़बरदस्ती की लेकिन इसमें आपका ही फ़ायदा था। तो ऐसे बोल के जा रही होती है, तो पीहू कहती सुनो, तो भावना ऐसे टर्न होती है, तो पीहू ऐसे उठती है और भावना के करीब आती है, तो भावना एक मिनट के लिए तो खुशी हो जाती है, वो भी ऐसे पीहू के करीब आ रही होती है। तो भावना ऐसे इसके करीब आते आते ऐसे हाथ आगे करती है उसको मास्क उतारने के लिए, तो भावना से फ़ौरन से पीछे हो जाती है और कहती है ये क्या करेंगे आप। तो वो कहती है कि मुझे तुम्हारा चेहरा देखना है, मुझे ऐसा लगता है मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ, अपना चेहरा क्यों छुपा के रखती हो तुम। तो कहती है चेहरा छुपा के नहीं रखती, बचा के रखती हूँ समझी, कोरोना चल रहा है, आपकी तबीयत खराब है, अगर आपका वायरस मेरे ऊपर आ गया तो मैं बीमार पड़ जाऊँगी और मेरे एग्जाम चल रहे हैं, मैं बिल्कुल बीमार नहीं होना चाहती, इसीलिए सेफ्टी फर्स्ट। ओके खुश, ओके टाटा बाय बाय। तो ऐसे बोल के वहाँ से जल्दी से चल जाती होती, ओह गॉड शुक्र है जान बची, जान बची तो लाख हो पाए। लौट के बुद्धू घर को आए, तो ऐसी पूरी कहावत बोलने के बाद कहती एक सेकंड बुद्धू कौन है और घर को कौन है, मैं बिना पता नहीं क्या पाऊँ वाली हटकते करती रहती हूँ, भावना 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 भावनाओं में मत बह यार, वापस आ जा अपनी इस दुनिया में। तो ऐसे बोल के किचन में जाती है, बर्तन रखती है और बैग लेके निकलने लगती है। तो उसके पापा कहते हैं कि बेटा सुनो, तो भावना कहती अब क्या है पापा, तो उसके पापा कहते हैं कि बेटा वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा पीहू के रूम में जाना मैं, लेकिन मुझे उसकी टेंशन हो रही है, एक काम करो उसे मेडिसिन खिला दो क्योंकि मेरे डॉक्टर से बात हुई है, तो आउट ऑफ टाउन है, तो वो बोल रहे हैं कि कुछ स्ट्राइक है कोई डॉक्टर नहीं आएगा, तो ये मेडिसिन उन्होंने बताई थी मैंने मंगवा ली थी ये उसे खिला दो। तो भावना कहती है अच्छा ओके। तो भावना ऐसे अपनी स्कूटी से उतरती है और वापस चल जाती है पीहू के रूम में पानी का गिलास और ट्रे लेके और साथ में वो मेडिसिन लेके। तो पीहू जो होती है ऐसी आँखें बंद करके ऐसे लेटी होती है, तो भावना ऐसे साइड पर रख देती है और उसको ऐसे पागलों की तरह देखती रहती है, उसे लगता है कि वो सो रही है, तो ऐसे उसके पास आके बैठती है, तो उसके हाथ के ऊपर ऐसे अपना हाथ रखने वाली होती है कि पीहू उठ जाती है, कहती तुम यहाँ क्या करी हो फिर से। तो भावना कहती रिलैक्स रिलैक्स आराम से ऐसे कहाँ डर रही हो जैसे मैं तुम्हारा कत्ल करने आई हूँ, आराम से बैठो यार चिल रिलैक्स क्या हो गया। तो पीहू कहती फिर से क्यों आई हो, बार बार क्यों आ जाते हो तुम मेरे रूम में। भावना कहती हेलो मैडम कुछ ज़्यादा गलत फहमी नहीं पाली, मतलब हाँ इंसान कुत्ता पाले बिल्ली पाले लेकिन गलत फहमी बिल्कुल नहीं पानी चाहिए मैडम जी, मैं जानबूझ के नहीं आई, पापा भेजते हैं बार बार मुझे आपके रूम में, वरना मुझे क्या शौक है मैं किसी के रूम में जाऊँ, बाय द वे घर तो मेरा ही है लेकिन हाँ ठीक है रूम आपका लेकिन मुझे भी कोई शौक नहीं है ठीक है, पापा ने भेजा आपको मेडिसिन देने के लिए इसलिए मैं आया, आपको मेडिसिन खानी है तो खा लो वरना मत खाओ बाय बाय। जैसे सब जल्दी जल्दी बोल के जा रही होती है, तो मतलब जानबूझ कैसे बोलती है कैसे बोलेगी तो प्यू मेडिसिन खाएगी वरना नहीं खाएगी, तो ऐसे जा रही होती है कि पीछे की तरफ टर्न देख के करती है, कहती देखो तो सही मैडम मेडिसिन खा भी रही है कि नहीं। जैसे पीछे की तरफ टर्न करती है देखती है कि पीहू जो होती है ऐसे मेडिसिन की तरफ हाथ बढ़ाने की कोशिश कर रही होती है बट वो काफ़ी दूर पड़ी होती है। तो भावना कहती मैं भी ना भावना में ज़्यादा बह जाती हूँ फ्लो फ्लो में इतना बोल जाए और ये नहीं याद रहा कि उसके पास तो रुकूँ, वो कैसे उठाएगी मुझे वापस जाना होगा। तो ऐसे सोच के वापस आती है और फौरन से ट्री उठा लेती है। तो पीहू कहती क्या करी हो, भावना कहती वो बहुत दूर है ना इसीलिए, तो वो ऐसे ही उसके पास आके उसकी मतलब वो जो होती है गोदी टाइप वहाँ आके रख देती है ट्रे, कहती ये लो अब खा लो। तो पीहू जो होती है ऐसे हाथ आगे करती है निकालने के लिए, तो मतलब उसके हाथ भी ऐसे कांप रहे होते हैं। तो भावना कहती एक सेकंड रुको मैं देती हूँ, तो भावना ऐसे मेडिसिन निकाल के उसके मुंह में डाल के ऐसे पानी पिला दिया। तो भी वो कहती वैसे हो तो तुम बहुत बदतमीज किस्म की लेकिन थैंक यू सो मच मेरी हेल्प करने के लिए। भावना कहती हाँ मैं और बदतमीज सही है भाई, वैसे लोग मुझे कहते हैं मैं बहुत ही स्वीट एंड स्वामी हूँ। तो भी वो कहती हाँ वो डायलॉग से ना, भावना कहती कौन सा, भी वो कहती वही
दिखने में बहुत ही स्वीट एंड स्वामी टाइप का, लेकिन हूँ बहुत बड़ा हरामी टाइप का, तुम्हारे पर सूट करता है। भावना कहती हाँ ये लड़की देखो, एक तो मैं इसकी मदद कर रही हूँ, पर से इसके देखो, वाह भाई वाह, ठीक है मैं गलत हूँ अब, ठीक है बाय, ऐसा बोल के फिर से जाने लगती है। तो ऐसे दरवाजे के बाहर जाके उसको देख रही होती है और कहती है मैं क्या करूँ, मैं जानबूझ के इससे इस तरह बिहेव कर रही हूँ, समझ क्यों नहीं रही, अगर सही से बिहेव किया तो इसके क्लोज चली जाऊँगी, मुझे पता है खुद पर कंट्रोल रहेगा, इसलिए मैं ऐसे चबलियाँ मार रही हूँ। तो ऐसे उसको देख के स्माइल कर रही होती है और उसका बिल्कुल मन नहीं होता आज कॉलेज जाने का, लेकिन उसका एग्ज़ाम होता है और जो एक घंटे में स्टार्ट होने वाला होता है। तो वो कहते अभी तो एक घंटा पढ़ाना, अभी नहीं जाती, इसकी तबीयत भी ठीक नहीं है, थोड़ी देर इसके पास रह जाती हूँ। तो वो ऐसे सोच के बस इसको देखती रहती है दरवाजे के पास छुप के खड़े होकर। तो जब देखती है कि वो बहुत सो गई और उसको मतलब ऐसे वो आह की आवाज़ आ रही है, मतलब पेन में होता है ना। तो ये आवाज़ सुनने के बाद भावना समझ जाती है कि पीठ को कहीं पेन हो रहा है। तो वो फौरन से दरवाज़ा खोल के अंदर आ जाती है और पीयू के पास आके बेड पे बैठ जाती है, उसका हाथ पकड़ते हुए कहती है कहीं पेन हो रहा है आपको? तो ऐसे हल्का हल्का सर पे हाथ फेरती है। तो पीयू ऐसे नींद में बोलती है पेन हो रहा है, बहुत पेन हो रहा है। तो भावना समझ आती है और ऐसे उसके सर पे ऐसे हल्का हल्का से दबा रही होती है, कहते अच्छा रिलैक्स हो जाओ, मैं दबा रही हूँ ना, आराम से देखो, दोनों हाथों से आँखें बंद करो, आराम से जो सो जाओ। तो ऐसे उससे बहुत प्यार से उसके पास बैठी रहती है और प्यार प्यार से उसका सर दबाती रहती है। तो उसके पास बैठे बैठे उसका सर दबाते दबाते और उसको पागलों की तरह घूरते घूरते कब टाइम ख़त्म हो जाता है उसे पता नहीं चलता। तो मतलब बहुत लेट हो जाता है, उसके फ्रेंड की कॉल आती है तो उसका मोबाइल जो है वो वाइब्रेट होता है। तो फ़ौरन से बेड से उठ जाती है, शुक्र है वाइब्रेशन बताओ, अगर ये उठ जाती तो ऐसे फ़ौरन से मोबाइल लेके बाहर जाती है और दोस्त को कहती क्या मसला यार अर्ची क्यों कॉल करी है मुझे, बार बार कहती पागल है तू, टाइम नहीं, 15 मिनट में पेपर स्टार्ट होने वाला है और तू अभी तक कॉलेज नहीं पहुंची है, कहाँ तू? तो कहती वो शिट 15 मिनट में पेपर स्टार्ट होने, मैं आ रही हूँ, मैं तो पहुँचने वाली हूँ यार, मैं कॉलेज के गेट पे हूँ, तो फ़ोन रख, मैं आ रही हूँ ऐसे झूठ बोल के जल्दी से कॉल कट करती और कहती शिट यार मैं तो भूल ही गई थी। तो ऐसे फ़ौरन से रूम में जाती है भावना, मतलब पीओ के रूम में जाती है जहाँ उसने अपना बैग रखा होता है, वहाँ से अपना मतलब बैग उठाती है और फिर पीओ के ऐसे फ़ौरन पर से किस करती है दूर से ऐसे करके किसी करके, कहती अपना ख्याल रखना, ओके बहुत जल्दी आऊँगी। तो ऐसे बोल के फ़ौरन से कॉलेज के लिए निकल जाती है। तो मतलब इतनी तेज़ वो चला रही होती है स्कूटी, बहुत ज़्यादा तेज़ स्कूटी चला रही होती है बिकॉज़ उसे बहुत लेट हो गया होता है, लोग बहुत ज़्यादा हार्श ड्राइविंग करती है और ऐसे तेज़ स्कूटी चलाते जाते वो खैर कॉलेज पहुँच जाती है, लेकिन वो पूरे 20 मिनट लेट होती है। तो जैसे अंदर क्लास में आती है पेपर स्टार्ट होता है तो मैम उसकी बहुत इंसल्ट करती है, कहती है कि क्लास की टॉपर इसका मतलब ये नहीं कि तुम टाइम पे लिया होगी, तुम्हारे लिए टाइम कभी रुक नहीं सकता, समझी? तो वो मतलब बहुत ज़्यादा इंसल्ट होती है, इतने ज़्यादा इंसल्ट करते हैं कि उसके आँखों में से आंसू आने लग जाते हैं। तो आरसी फ़ौरन से खड़ी हो जाती है, कहती मैम उसकी गलती नहीं है, उसकी स्कूटी का टायर फट गया था इस वजह से। मैम कहती बस मुझे पता है ज़्यादा अपने दोस्त की साइड लेने की जरूरत नहीं है, ये लास्ट वार्निंग दे रही हूँ, फिर से कभी मेरे क्लास में लेट आए ना तो मैं क्लास में घुसने नहीं दूंगी। तो बहुत ज़्यादा डांटने के बाद उसे परमिशन मिल जाती है खैर क्लास में बैठने की। तो अपनी सीट पे जाके बैठती है, मैम बहुत गुस्से में होती है, उससे सब घूर के पेपर देती है और कहती है कि आज पूरे टाइम मेरी नज़र तुम्हारे ऊपर होंगी, समझी? तो भावना की तो हालत बहुत ख़राब होती है बिकॉज पहली बार उसे किसी मिस ने इतना ज़्यादा डांटा होता है। तो खैर वो काफ़ी मतलब उसकी गहरी गहरी सांस ले रही होती है। तो आशीष होती है ऐसे दोस्तों से इशारा करती है कि रिलैक्स हो जाओ। तो मैम जो होती है वो ऐसे ही क्वेश्चन पेपर मतलब देख गई होती है, आंसर शीट देने के लिए पीछे मुड़ती हैं। तो आशीष फ़ौरन से अपनी सीट से उठ के पानी की बोतल लेकर उसके पास आती है, कहती है लो पानी पियो, कि रिलैक्स कूल। मैम तो ऐसे ही बोलती है तुम्हारा अच्छे से मुझे पता है तुम्हारी बहुत अच्छी तैयारी होगी, तुम्हारे बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, तुम्हारे मार्क्स देखे ना मैम खुद ही समझ आएंगे तुम कितनी अच्छी स्टूडेंट हो, ये मैम न्यू है ना इन्हें तुम्हारा पता नहीं है इसलिए ऐसे बोल रही हैं, ओके रिलैक्स ही लो पानी पियो। तो वो मैम पीछे टर्न करके देखती है, कहती आशी तुम वहाँ क्या कर रही हो? कहती मैम वो उसको पानी चाहिए था ना, मैं पानी दे रही हूँ। मैम कहती बहुत महान काम करके आए ना वो, जैसे तुम पानी दे रही हो, हाँ लेट आई है वो क्लास में, जब अपनी जगह पे जाके बैठो, मतलब बहुत ज़्यादा शाउट करती हैं। तो आरशी को इतना गुस्सा आता है, इतनी गाली दे रही होती है मन में और फिर जाके अपनी जगह पे बैठ जाती है। और भावना जो होती है वो पानी पीती है और उसको इतना गुस्सा आया होता है, फिर खैर वह आँखें बंद रहती हैं और पीहू के बारे में सोचती है और कहती है मेरे लेट आने की वजह पीहू है, उसके साथ मैंने कितना अच्छा वक्त गुजारा है ना, उस वक्त को याद करो और लिखना स्टार्ट करो। तो ऐसे खुद को समझा रही होती है, ऐसे आँखें बंद के पीहू की स्माइल देख रही होती है, उसका बस सोना उसकी वो सांसें सब महसूस कर रही होती है और बहुत स्माइल करती है, फिर आंखें खोलती है फ़ौरन से लिखना स्टार्ट कर देती है।
और भी उसको याद करते करते वो पूरा पेपर ख़त्म कर लेती है बहुत जल्दी। तो मैम जो होती है, जबकि वो चिल्ला रही होती है कि एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलेगा, लेकिन वो टाइम से पहले कर लेती है, तो वो खड़ी हो जाती है, कहती है मैम मेरा पेपर हो गया। मैम कहती इतनी जल्दी? वो कहती हाँ मैम हो गया। तो उठ के जाने लगती है तो आरशी की तरफ देखती है कि मैं कुछ रहता है तुम्हारा मैं करवाऊँ? तो आरशी कहती नहीं नहीं मुझे आ जाता है तुम जाओ। तो भावना कहती अच्छा ठीक है। तो भावना फिर भी नहीं जाती, बैठ जाती है, कहती हो सकता है कि कुछ ना आता हो तो जब तक मेरा पेपर नहीं होगा मैं यहीं बैठूंगी। तो ऐसे बोल के उधर ही बैठी जाती है। उसके बैठना काम भी आता है क्योंकि आरशी को 2-3 क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रही होती है, तो भावना उसकी हेल्प कर देती है। तो दोनों फ्रेंड्स होती है साथ में, क्लास से बाहर निकलती हैं। तो आरशी कहती तुमने तो मैम का मुंह बंद कर दिया, मैम को लगा तुम एक्स्ट्रा टाइम मांगोगी और तुमने तो टाइम से पहले करके वाओ कुछ लिखा भी था या नहीं। तो भावना कहती तुम्हें क्या लगता है? पीयू कहती आरशी कहती नहीं नहीं मुझे तो लगता तुमने बहुत अच्छा लिखा। वैसे मुझे लगा कि शायद तुम मुझसे नाराज़ हो, मुझसे बात नहीं करोगी कल जो हुआ। तो वो कहती नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है। तो आरशी कहती पक्का मुझे नाराज़ नहीं हो? तो भावना ऐसी स्माइल करती है, कहती नहीं पागल तुम तो मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, अपनी बेस्ट फ्रेंड से कोई इंसान कैसे नाराज़ रह सकता है और मैं तो बिल्कुल नहीं। तो आरशी बहुत हंसती है और उसे हक कर लेती है, कहती और मिस यू सो मच, मुझे लगा सच में तुमसे बात नहीं करोगी, पता कितनी ज़्यादा डर गई थी मैं। तो वो कहती यार तुम मीना छोड़ो, तो चलो कुछ खाते हैं, आप बहुत भूख लग गया। तो आरशी कहती तुमने ब्रेकफास्ट नहीं किया? कहती ब्रेकफास्ट की बात करी, मैंने कल डिनर भी नहीं किया, बहुत भूख लगी, कंजूस इंसान, आज तुम मुझे खिलाएगी? आरशी कहती मेरी जान तो ले तो जान भी हाजिर है, चलाओ खाते हैं कुछ। तो ऐसे ही लोग कैफेटेरिया में जाते हैं, वहाँ पर कुछ खाते पीते हैं। तो जब खा रही होती है तो इसके दिमाग में बार बार ख्याल आ रहे होते हैं कि पीयू ठीक होगी क्या, वो अभी तक सो रही होगी या उठ गई होगी, उसने कुछ खाया होगा या नहीं। तो उसके दिमाग में ये सब चल रहा होता है और वहाँ आरशी पक 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 किए जा रही होती है, बहुत बोलती है, बट हमारी भावना तो अपने पीयू के ख्यालों हाथ में होती है तो कुछ सुनती नहीं है। तो आरशी कहती यार तो कुछ सुन भी है नहीं, किस ख्यालों में गुम है तू? तो भावना कहती नहीं 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 इधर ही यार मैं सुन रही हूँ, हाँ वो हाँ ठीक है तू जो बॉडी थी वही ठीक है। आरशी कहती एक सेकेंड मैंने तो ऐसा कुछ बोला नहीं जो ठीक हो। तो भावना कहती यार क्या है बोल सुन रही हूँ मैं। तो आरशी कहती मैं बकवास कर रही हूँ, नहीं कोई फ़ायदा है मेरे बोलने का जब तू सुनी नहीं, मैं बकवास करती रहूँ बक बक और तू सुनेगी नहीं। तो भावना कहती हाँ तो पक पक कौन, किसने बोला बक पक कर, कौन बक पक करता है, बक पक ना कर आराम से बोल तब मुझे समझ आएगी, हर टाइम बक 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 पक करेगी तो कहाँ मेरे पल्ले पड़ना है। आरशी कहती ठीक है मैं बक पक करती हूँ ना, ठीक है मैं बोलूँगी नहीं। तो भावना इतना हंसती है कहती यार मैं बहुत मज़ा आता था जैसे जिच करने में। तो आरशी कहती चपेट ना खा लेना जिद की बच्ची, जाओ यार कट्टी है तुमसे मैं बात नहीं करूँगी। भावना कहती अच्छा ठीक है ओके मैं जा रही हूँ। तो आरशी कहती क्या मतलब मैं नाराज़ हूँ, मुझे मुझे मनाओ ऊपर से तुम कह रही हो जा रही हो यार कैसी तो हो तुम, तुम्हें तो पाप चढ़ेगा यार बड़े वाला वो भी। तो वो भावना कहती अरे नहीं वो ना मुझे रेस्ट करना है, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है तो इसलिए। तो ऐसे बोल के बैग उठा के जाने लगते हैं तो बाकी सारी फ्रेंड्स भी आ जाती है, कहती कहाँ जा रही हो तुम? तो कहती यार घर जा रही हो। कहती क्यों यार आज हमारा लास्ट पेपर था, आज जो सेलिब्रेशन बनती है यार आज तो पार्टी करते हैं चलो साथ। मैं कहती नहीं यार हमने तो जो खाना था खा लिया, पेट भी बहुत फुल है और मुझे घर आज जल्दी जाना है, मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं है। तो आरशी कहती झूठ बोल रही है, इसकी तबीयत को कुछ नहीं हुआ। और क्या खाया? कुछ भी तो नहीं खाया, थोड़ा सा खाया यार, अब मुझे तो और भूख लगी है मैं तो और खा सकती हूँ। ये भी खा ही लेगी, टेंशन नहीं नहीं खाएगी तो इसके से मैं खा लूँगी, लेकिन पार्टी तो आज करके रहेंगे। तो भावना कहती यार कितना खाती है तू मेरी माँ, बस हाँ मुझे जाना है यार प्लीज़ जाने दो। तो कहती क्यों आज घर जाने की इतनी किया जल्दी, घर जाके कोई सरप्राइज़ है तेरे लिए, कुछ खास है, कोई वेट कर रहा है तेरा घर में? तो सब ऐसे चढ़ने लगते हैं बोलना बोलना। भावना कहती पागल हो तुम लोग, तुम्हें पता ही है मेरे घर में सब पापा और मैं ही होते हैं, कौन वेट करेगा, मैं जा रही हूँ ठीक है मेरे बस रेस्ट करना है प्लीज़। तो ऐसे बोलती है और फ़ौरन से वहाँ से चली जाती है। तो आरशी कहती से हो क्या गया यार, ये तो हमेशा ऐसे मस्ती करती रहती है, इसको तो बड़ा दिल होता है सब मिलके पार्टी करें मस्ती करें और आज जब सबका मूड बना है तो ये जा रही है, कुछ तो गड़बड़ है। तो आरशी ऐसे सोचती होती है और भावना जो होती है वो फ़ौरन से स्कूटी चलाती है फुल स्पीड में और भाई साहब 20 मिनट के अंदर इधर वो पहुंच जाती है घर। और घर जाते ही फ़ौरन से ऊपर की तरफ जा रही होती है तो पहले कहती एक सेकेंड बाहर ना पापा की गाड़ी थी और लोग भी नहीं था, पापा घर नहीं है क्या? तो ऐसे सोचती है और फिर कहती है चलो पहले पापा को देखते हैं। तो पापा के रूम में जाती है, देखती है कि पापा नहीं है, कहती पापा कहाँ गए? तो पापा को मैसेज करती है पापा आप कहाँ हो? तो उसके पापा का मैसेज आता है बेटा मैं जॉब में हूँ और पीहू घर में अकेली है, तुम एक काम करो आज जल्दी घर चल जाना, उसका ख्याल रखना, पेपर हो गया ना अच्छा हुआ तुम्हारा। तो भावना से वॉइस नोट करती है जी जी पापा मेरा पेपर बहुत अच्छा हुआ और मैं अभी अभी घर पहुँची हूँ। तो वैसे अपनी वॉइस में कर रही होती है। तो
जो प्यू जो होती है वो ऐसे सीढ़ियों पे होती है और वो वॉइस सुन लेती है, वो फ़ौरन से नीचे आती है तो सामने भावना खड़ी होती है। तो भावना कहती है क्या 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 हुआ, तुम ठीक हो प्यू? तो प्यू कहती है कि यहाँ पे अभी कोई एक लड़की थी ना, वो बोल रही थी वो कहाँ है, वो लड़की कहाँ है, कौन लड़की थी यहाँ पे? भावना कहती है कोई लड़की नहीं थी यहाँ, तो मैं ही बोल रही थी। प्यू कहती नहीं, वो तुम्हारी इतनी सुंदर आवाज़ कहाँ है, वो एक लड़की अभी बोल रही थी ना यहाँ पे। भावना कहती अच्छा जी, मेरी तारीफ भी करी है, मेरी इंसल्ट भी करी है, यार इसको अपनी तारीफ समझो या इंसल्ट समझो समझ नहीं आ रहा। तो प्यू फिर से पूछती है वो लड़की कहाँ है? भावना कहती है हाँ कोई लड़की नहीं है इस पूरे घर में, तुम्हारे और मेरे अलावा कोई लड़की नहीं है, एक पापा रहते हैं वो भी अभी घर नहीं है। एक सेकंड, तुम मेरे पापा लड़की लगते हैं, हद हो गई यार। तो प्यू कहती है ठीक है। तो प्यू ऐसे बोल के ऐसे नीचे की तरफ आ रही होती है सीढ़ियों से, तो उसको चक्कर से आ रहे होते हैं, तो भावना से फ़ौरन से पकड़ लेती है। भावना कहती है आप ठीक हो? तो प्यू कहती है हाँ मैं ठीक हूँ, मेरा सर बहुत चक्रा आ रहा है। तो भावना से उसका हाथ पकड़ के उसे नीचे लेके आती है और आगे सोफे पे बिठा देती है और फ़ौरन से पानी लेके आती है, उसे पानी पिलाती है, कहती है आप ठीक हो, आप नीचे क्यों हैं, आपको कुछ चाहिए आप मुझे बताओ। तो प्यू कहती मास्क मास्क चाहिए मुझे। वो कहती क्या मास्क? ठीक है मैं अभी देती हूँ। वो कहती नहीं, वो जो तुमने लगा रखी है ये उतार के दो मुझे, मुझे तुम्हारा चेहरा देखना है। तो भावना कहती वो हेलो पता नहीं है किसी दूसरे का मास्क नहीं लगाया जाता, सारे वायरस फैल जाएंगे, मैं तो नहीं दूंगी अपना मास्क। तो वो कहती मुझे बस तुम्हारा चेहरा देखना है, इसे थोड़ा सा नीचे कर दो। तो भावना से फ़ौरन से मास्क के ऊपर हाथ रख देती है, कहती क्यों 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 मेरा चेहरा? मुझे पता है मेरा चेहरा देखे ना तुम्हें मजाक बनाने, क्योंकि चेहरा तो मेरा सुंदर है नहीं और बस मुझे पिंपल निकले हुए हैं, पिंपल किसी के लिए देख लिया तो यार बहुत मजाक बनता है, स्पेशली लड़कियाँ बहुत तंग करती हैं यार, बहुत मजाक बनाती हैं, इसलिए भाई मैं तो मास्क नहीं उतारने वाली जब तक पिंपल जाएगा। अब ये पिंपल 2 महीने में जाए, 3 महीने में जाए, 4 साल में जाए, मुझे नहीं पता। ओके देन बाय। तो उसे जल्दी जल्दी बड़बड़ा के चली जाती है। तो प्यू कहती तुम बोलती क्या हो, मुझे कुछ समझ क्यों नहीं आता? भावना कहती इसलिए तो ऐसे बोलती हो कि तुम्हें कुछ समझ ना आए। तो प्यू कहती क्या 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 मतलब? भावना कहती वो मेरा मतलब कुछ नहीं यार, मैं बोलती ही ऐसी हूँ। प्यू कहती मुझे तो तुम्हारी समझ नहीं आती, कभी इतनी फास्ट बोलती हो कि एक्सप्रेस को भी पीछे छोड़ जाती हो और कभी से मम करके, ये चलता क्या है तुम्हारा? तो भावना कहती यार देखो आपको कुछ चाहिए, अपनी चाहिए थी जरूर बात है, कुछ चाहिए होगा, क्या चाहिए, खाना चाहिए, पानी चाहिए, क्या 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 चाहिए क्या आपको? प्यू कहती मुझे सुकून चाहिए, मुझे बस थोड़ी देर घूमना है बाहर। तो भावना कहती ठीक है आप घूम लो बाय। तो ऐसे बोल के ऊपर अपने रूम में चल जाती है और फ़ौरन से चेंज करने लग जाती है और मोबाइल की तरफ देखती है कि कहती ओ शिट कॉल कट गई थी, उन्हें ध्यान क्यों नहीं दिया आज कॉल कट गई। तो वो ऐसे बोल के देखती है कि बार बार इतनी सारी कॉल्स आई होती है प्यू की, तो कहती शिट शिट इसने तो आज बहुत ज़्यादा कॉल की, मैंने ध्यान क्यों नहीं दिया शिट। तो फ़ौरन से कॉल बैक करती है तो देखती है कि अब प्यू कॉल नहीं उठा रही होती। भावना से विंडो से बाहर जाती है, देखती है कि प्यू बाहर सैन में जो है वो झूले पे बैठी होती है, मोबाइल उसके बगल में पड़ा होता है, वो बार बार कॉल्स करती है। तो प्यू ऐसे मोबाइल उठाती है गुस्से में, कहती क्या है क्यों कॉल करी हो मेरी, हाँ क्यों अब कॉल क्यों करी हो, जब मैंने कॉल किया था रात में तो तुमने कॉल काट दिया था। नहीं कॉल क्यों काटा, तो तुम्हें पता है मैं हमेशा तुम्हें कॉल पर रख के सोती हूँ, मुझे जब तुम्हारी आदत होगी तो तुमने कॉल काट दिया, अब तुम ऐसा करोगी मेरे साथ? मतलब एक ही सांस में भाई साहब बहुत चढ़ाई किए जा रही होती है। तो भावना कहती यार आराम से रिलैक्स रिलैक्स क्या हो गया, इतना क्यों चिल्ला रही हो, मेरा तो एग्जाम था ना, मैं पेपर देने गई थी, मैं तो अभी आई। तो कहती एक सेकेंड तुम्हारा एग्जाम खत्म कब हो रहा है यार? कहती रिलैक्स खत्म हो गया, आज मेरा लास्ट एग्जाम था, अब मैं बिल्कुल फ्री हूँ और मैं 24 घंटे सिर्फ तुमसे बात करूँगी समझी। प्यू कहती हाँ 24 घंटे मुझसे, एक मिनट भी इधर उधर किसी को दिया ना मैं मुंह तोड़ूंगी तुम्हारा। तो भावना कहती अच्छा ओके रिलैक्स, अब बताओ तुम्हारी तबीयत कैसी है? प्यू कहती मुझे क्यों ना, मैं एकदम मस्त बढ़िया। भावना कहती सच बताओ कहीं पेन तो नहीं है? तो प्यू ऐसे कहती पेन क्या होता है? नहीं मुझे तो पेन बिल्कुल नहीं है। भावना कहती मेरी कसम अब सच बताओ तुम ठीक हो ना, कहीं पेन तो नहीं है? तो प्यू कहती यार तुम्हें कैसे पता चल गया, फीवर है मुझे लेकिन ठीक है ना, इतना नहीं है, मैं ठीक हूँ। भावना कहती अच्छा फीवर है और तुम बाहर बैठे हो, चलो अंदर रूम में जाओ। तो प्यू कहती हाँ ठीक है जा रही हूँ। तो प्यू ऐसे कहकर उठ जाती है, कहती एक सेकंड को मैं बाहर हूँ, ये तुम्हें कैसे पता? भावना कहती लो बेटा फंस गई, अब क्या बताऊँ, क्या बाहर कुछ सोच। कहती हाँ वो तुम देखो तुम बाहर बैठी हो, शोर आ रहा है ना बाइक्स की गुजरने की, गाड़ी की गुजरने की, तभी आता है जब इंसान सहन में बैठा, अब रूम में तो आएगा नहीं, तो इसलिए बोल रही हूँ तुम उठो रूम में जाओ। तो प्यू कहती अच्छा हो गया। तो भावना कहती तुमने कुछ खाया था? तो प्यू कहती नहीं कुछ नहीं खाया, भूख लग रही है यार, अब हिम्मत भी नहीं है कि कुछ बना के खाऊं, और लैंडलॉर्ड तो बहुत अच्छे हैं यार, वो तो मुझे खाना देते हैं, बट उनकी बेटी पता नहीं कैसी है, मुझे खाना देगी भी नहीं, कोई नहीं मैं बाहर से ऑर्डर कर लूँगी। तो भावना कहती उसकी ऐसी की तैसी, ऐसे नहीं कहती कि तुम्हें खाना मैं मुँह ना तोड़ दूँ उसका, उसे तुम्हें खाना देना ही होगा। तो प्यू कहती वो हेलो यार रहने के पैसे देती हूँ उनको, मेरे खाने के नहीं, तो वो क्यों देंगे यार, मैं बाहर से ऑर्डर कर लूँगी।
तो भावना कहती है लेकिन बाहर का खाना तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा ना, पहले भी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। फिर वो कहती है हाँ क्या तो ठीक रहो, लेकिन मुझसे बनाने की हिम्मत बिल्कुल नहीं है, तो बाहर से ऑर्डर कर दूंगी, टेंशन ना लो। तो ऐसे सोच के रूम में जाती है और उससे बहुत सारी बातें कर रही होती है। तो ऐसे ही दोनों एक दूसरे से बहुत सारी बातें करते रहते हैं। और भावना जो होती है वो फिर पीयू को कहती है चलो ब्लैंकेट लो अपना और अपना माइक जो है मुँह के पास रखो। ओके, ऐसे मुँह के पास माइक रखाती है और फिर उसे सुला देती है, कहती है चाह आँखें बंद करो मैं तुम्हारे पास हूँ। ओके, मैं आराम से सर दबा रही हूँ दोनों हाथों से, आराम से आराम से आराम से, और आँखें बंद, आँखें मत खोलना, मारूंगी, चीटिंग नहीं करनी। ओके, तुम्हारे पास हूँ ना, सर दबा रही हूँ, रिलैक्स हो जाओ, सो जाओ आराम से आराम से। तो ऐसे ऐसे बहुत प्यार प्यार से सुला देती है और पीयू सो भी जाती है। तो भावना जब देखती है कि पीयू सो गई है तो भावना फ़ौरन से म्यूट कर देती है और किचन में जाके उसके लिए सूप वगैरह बनाने लग जाती है। तो मतलब उसे इतना कुछ खास बनाना आता नहीं है, उसके पापा कुकिंग करते थे, तो वो फिर यूट्यूब से रेसिपीज़ वगैरह देख के उसके लिए सूप बनाती है। और सूप बनाने के बाद कहती है कि लो जी सूप तो तैयार हो गया, अब टाइम कितना हो गया, अब तक सूप तैयार होना चाहिए था, चलो लेकिन दवाई का टाइम भी हो गया, उठाना ही होगा। तो ऐसे बोल के ट्रे में रखती है सूप और फिर ऊपर चले जाते हैं उसके रूम में। रूम में जाके साइड पे रखती है, उसको देखती है कितनी क्यूट है यार, सोते टाइम तो और ज़्यादा क्यूट रहती है, दिल करता है इसको बस देखती रह जाऊँ और फिर इसे खा जाऊँ यम 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 करके। ऐसे की स्माइल करती है, कहती भावना भावना में मत पै, इसको उठाना है ना, इसको सूप पिलाना है, इसको मेडिसिन खिलानी है। तो ऐसे सोच के वो उसके पास आती है और कहती है पीहू पीहू उठ जाओ, पीहू मेडिसिन लेनी है ना, पीहू गुड मॉर्निंग पी उठो। तो मतलब वैसे प्यार प्यार से उठा रही होती है। तो पीहू ऐसे कहती है सोने दो ना भावना, तो भावना से स्माइल करती रहती है, नींद में भी मेरा नाम लेती है, हाय मैं सबकी। तो ऐसे फिर से बोलती है पीहू पीहू उठो, देखो मैं सूप बना के ले आई हूँ, उठो सूप पियो। तो ऐसे ऐसे प्यार से उठा रही होती है। तो उसे प्यार से उठाने के बाद कहती है उठ जाओ। तो पीहू ऐसे आँखें खोलती है, कहती क्या है सोने दो ना। तो पीहू कहती सोने दो, तुम क्या कर रही हो मेरे रूम में। भावना कहती आराम से, ढकेटी करने नहीं आई तुम्हारे रूम में, सूप लेके आई हूँ, उठो मेडिसिन लेनी है ना। तो ऐसे फिर प्यार से थोड़ी सी स्माइल करती है, उसके बाद कह देती है और ऐसे उठ के टेक लगा के बिठा देती है, कहती ये लो पियो इसे, मेडिसिन लेनी है ना। तो पियो कहती थैंक यू सो मच बट मुझे अच्छा नहीं लगता। भावना कहती हाँ आई नो किसी को भी अच्छा नहीं लगता, बट डॉक्टर ने सजेस्ट किया है कि आपको यही खाना है और मेरे पापा का स्ट्रिक्ट ऑर्डर है कि आपको मैं ये पिलाऊँ, और पापा को ऑर्डर तो आपको पता है मैं रद्द नहीं कर सकती, इसलिए आपको तो ये पीना ही होगा, खुद से पी लेंगी तो अच्छा है वरना हमें ज़बरदस्ती करनी होगी। तो पीहू कहती है नहीं मैं पी रही हूँ। तो पीहू जो होती है ऐसे सूप पीती है। तो भावना कहती है गुड गर्ल। तो ऐसे ट्रे लेके साइड पे रख देती है और फिर पानी का गिलास और मेडिसिन देती है, कहती है ये लोग खाओ। तो पीहू जो होती है वो खा लेती है। तो भावना ऐसे उसे देख के स्माइल कर रही होती है। पीहू कहती है थैंक यू सो मच अब मैं सो जाऊँ। भावना कहती है नहीं। पीहू कहती है सोने मुझे। भावना कहती अरे सो जाओ मजाक कर रही हूँ, कुछ और चाहिए हो तो मैं पास वाले रूम में हूँ पता है ना, गुड नाइट। तो ऐसे ऐसे सिला के ब्लैंकेट ऊपर ओढ़ के चले जाते हैं। तो पीहू ऐसे लेटी होती है और कहती सुनो। तो भावना कहती हाँ। तो पीहू कहती मानो तुम इतनी बुरी भी नहीं हो, अच्छी लड़की हो, दरवाज़ा बंद करके जाना बाय। तो भावना जाती है बहुत स्माइल करती है और बर्तन लेके वहाँ से चली जाती हैं। और जैसे किचन में जाके रखती है जो हैंड फ्रिज होती है कान में लगाती है। तो पीहू बोर होती है भावना भावना कहाँ हो, भावना किधर हो, बात करो ना, सांस से सुनाओ ना। तो भावना तो शिट शिट मैंने तो म्यूट लगाया था। भावना फ़ौरन से म्यूट खोलती है, ऐसे कहती है जी मेरी जान उठ गई तुम। भावना होती है उठ गई, सोने भी नहीं देती मुझे, इतनी नींद आ रही थी, क्योंकि तुम सो जाओ सांस से सुनाओ मुझे भी सोना है। तो भावना जो होती है ऐसे माइक मुँह के पास रखती है, ऐसे खाई खाई सांसें लेती है। तो उसको लगता है वो सो गई है, उसकी सांसें सुनते सुनते पीहू भी सो जाती है। तो भावना बहुत स्माइल करती है, कहती है कि भगवान जी आप कितने अच्छे हो, पहले मैं सिर्फ इसकी सांसें सुन पाती थी, अब मैं इसे देख भी पाती हूँ, इसे महसूस भी कर सकती हूँ, इसे टच भी कर सकती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है इसके पास रहना बहुत ज़्यादा, मैं इसे कभी खुद से दूर नहीं जाने दूंगी, प्लीज़ प्लीज़ आप हमेशा मेरे साथ होगे ना, इसे कभी मुझसे दूर मत करना प्लीज़। तो ऐसे सोच के भगवान जी से प्रे करी होती है। सो गाइस अब देखना ये है कि क्या इसकी ये प्रे जो है वो कबूल होगी या फिर आगे होगा कुछ नया ही बखेड़ा। तो जो भी होगा गाइस वो तो देखने के लिए आपको देखना पड़ेगा नेक्स्ट पार्ट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। पर जान से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है,
कि अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो क्या करते क्या यार, पाप ना चढ़े आप लोग को, चढ़ता है इसीलिए, पाप ना चढ़े इसलिए कह रही हूँ। जल्दी से वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बाय द वे ना भी करोगे पाप तो नहीं चढ़ेगा, तो मैं ऐसे ही बोलती हूँ। ओके गाइस, टाटा बाय बाय, टेक केयर।